हम लोग दूध सागर पहुंच चुके हैं। ये यहाँ का एंट्री गेट है। ये सिम्मी पूरा ट्रैक करती हुई आ रही है। अनाया अभी सो चुकी है और अनाया उठ चुकी है दूध सागर में आते ही। बहुत ही घेरा जंगल है, बहुत ही घना है। चलो दूध सागर की एंट्री गेट पे पहुंचने के बाद आपको 15-20 मिनट की ट्रैकिंग करना पड़ती है। ये ट्रैकिंग आपको बहुत ही एडवेंचरस लगेगी क्योंकि आपके ट्रैक में कई जगह पानी मिलेगा, कई जगह आपको स्टोन मिलेंगे, कई जगह आपको बहुत ही डेंजरस रास्ता मिलेगा। तो ये एक एडवेंचरस राइड है और एक पूरी तरह से नेचुरली बनी हुई है। ये यहाँ की पार्किंग है, देख सकते हैं कि आप यहाँ कितनी भीड़ है। रास्ते में बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी हैं जो कि आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देते हैं। आपको दूध सागर वाटरफॉल पे 1.5 घंटे से 1 घंटा 45 मिनट तक का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको 30 मिनट का आने जाने का ट्रैकिंग टाइम भी इंक्लूडेड होता है। तो एट द एंड आपके पास सिर्फ 1 आवर होता है वाटरफॉल पे इंजॉय करने के लिए। उसी 1 घंटे में आपको वाटरफॉल पे पिक्स भी लेना है, वहाँ पे स्विमिंग भी करना है, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय भी करना है। तो ये एक थोड़ा सा टफ हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं तो जैसा अगर आप मान लो 2-3 घंटे वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप अपने जीप ड्राइवर और बाकी ग्रुप मेंबर के साथ डिस्कस कर लें। जीप ड्राइवर को आप पर पर्सन 300-500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दें। तो उससे ये होता है कि वो आपके लिए वेटिंग टाइम बढ़ा देता है और आपको वाटरफॉल पे 2 आवर या 3 आवर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जनरली जीप वाले यहाँ मान जाते हैं क्योंकि उन्हें 2 दिन में या 3 दिन में सिर्फ एक ही राइड मिलती है दूध सागर जाने के लिए कोलम से। तो अगर उन्हें वेट करने का कुछ एक्स्ट्रा पे मिलता है तो उनके लिए वो बहुत हैप्पीली वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। दूध सागर वाटरफॉल पे पानी में अंदर जाते ही कोई सरफेस आपको नहीं मिलेगी। आप पूरी तरह से पानी में अंदर चले जाएंगे एंड बस लाइफ जैकेट के सहारे ही आप वहाँ पे फ्लोट कर रहे होंगे। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपके लिए बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपको पानी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका लाइफ जैकेट आपके साथ रहेगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा। आप पानी में इंजॉय भी कर सकते हैं और साथ में वहाँ पे एक लाइफगार्ड भी होता है जो कि आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी पानी में से बाहर आने के लिए हेल्प चाहिए या पे आपको फ्लोट करने के लिए हेल्प चाहिए तो वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ का जो पानी होता है वो बहुत ही चिल और क्लीन होता है। यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट तरह की फिश भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल एक ये बहुत ही थ्रिलिंग एडवेंचरस ट्रैकिंग होती है जो कि आपको बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देगी। ये पॉइंट ट्रैकिंग के लिए भी ओपन रहता है जो आप कोलम से दूध सागर तक 10 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको टिकट लेना होगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पूरी जानकारी आपको दूध सागर की साइट www.doodhsagar.com पे अवेलेबल होगी।